खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। राजद नेता छत्री यादव ने जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के युवाओं के साथ की बैठक, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर की चर्चा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में कई राजनीतिक दल के नेता लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी क्रम में राजद के वरिष्ठ नेता सह जिला परिषद उपाध्यक्ष छत्री यादव ने जिले के सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत पुरानी हाईस्कूल मैदान में प्रखंड क्षेत्र के युवाओं के साथ मीटिंग रखकर आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता में आना है। सहरसा विधानसभा के सभी बूथ पर 10-10 कार्यकर्ताओं को चयनित कर सोशल मीडिया के माध्यम से लालू यादव के विचारधारा और तेजस्वी यादव के कामों को जनता के बीच पहुंचाना है और आगामी विधानसभा चुनाव में राजद को फतेह करवाना है। बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनाना है। इन्हीं सब कारण हम लोग सोशल मीडिया कर्मियों का बैठक किए हैं ताकि इस कोरोना महामारी के बीच राजद के कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस मौके पर सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों युवा मौजूद थे। सहरसा से अमन कुमार की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा में सत्ता में आना है, उसी के चलते आज यह बैठक हम लोग आयोजित किए। बैठक जो है सहरसा विधानसभा में प्रत्येक बूथ पर हम 10 यूथ का व्यवस्था करने के लिए सभी साथियों को यहाँ बैठाए हैं और सोशल मीडिया के लक्ष्य को लेकर के सभी समुदाय के लोगों को इस बैठक में बुलाए हैं और बैठक आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं और हम लोग 2020 का को फतह करेंगे और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या नाम आपका? छत्री यादव, उपाध्यक्ष जिला परिषद सहरसा।